सरपंच संघ ने कसरावत नगर में पुनः पंचायतों का प्रभार देने के लिए मुख्यमंत्री के नाम कसरावत सीईओ को ज्ञापन सौंपा। संपूर्ण मध्य प्रदेश के सरपंच को पुनः पंचायत के प्रभाव देने के संबंध में शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम कसरावत में जनपद पंचायत सीईओ को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन का वाचन करते हुए सरपंच संघ जिला अध्यक्ष परसराम यादव ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग की चुनाव घोषणा होने के साथ मध्य प्रदेश में समस्त सरपंच साथियों के ड्राइंग पावर प्रतिबंधित कर दिए गए थे, चूंकि पंचायत निर्वाचन निरस्त कर दिए गए थे। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायतों की वित्तीय प्रभाव पूर्व की भांति यथावत होने जाने थे, किंतु प्रभार नहीं दिए गए। वर्तमान में आगामी पंचायत चुनाव 4 से 6 महीने के पश्चात ही संपन्न किए जा सकेंगे। इस स्थिति में ग्राम पंचायतों में सरपंच के प्रभार नहीं होने से ग्राम पंचायत में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होगी। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। सरपंच उप सरपंच संगठन कार्यालय जे 59 कवरा नंबर हर्षवर्धन नगर भोपाल जिला अध्यक्ष परसराम यादव की तरफ से पूरे सरपंच संगठन कसरावत के जो सरपंच पदाधिकारी है उनकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल और माननीय पंचायत मंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल उन द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय जनपद पंचायत कसरावत जिला खरगोन विषय संपूर्ण मध्य प्रदेश के सरपंच महानुभाव को पुनः पंचायत के प्रभार देने बाबत महोदय जी उपरोक्त विषय में निवेदन करने वाले हम सरपंच साथी जनपद पंचायत कसरावत के सभी इकट्ठे होकर राज्य निर्वाचन आयोग की चुनाव घोषणा होना के साथ मध्य प्रदेश में हम समस्त सरपंच साथियों के ड्राइंग पावर प्रतिबंधित कर दिए गए, सूची पंचायत निर्वाचन निरस्त कर दिए गए। इसी स्थिति में ग्राम पंचायतों में वित्तीय प्रभार पूर्व की भांति यथावत हो जाने थे, किंतु प्रभार नहीं दिए गए हैं। वर्तमान में आगामी पंचायत निर्वाचन 4 महीने या 6 महीने के लिए टल गए हैं, इसके पश्चात चुनाव संपन्न किए जा सकेंगे। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत में सरपंच के प्रभार नहीं होने से निम्नानुसार समस्याएँ उत्पन्न होगी। नंबर एक, ग्राम पंचायतों के प्रभार सरपंच के स्थान पर अन्य किसी व्यक्ति को या प्रशासकीय अधिकारी को देना हम समस्त निर्वाचित सरपंच के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। नंबर दो, ग्राम पंचायत के वित्तीय प्रभार किसी व्यक्ति विशेष के पास होने से ग्राम पंचायत में विकास कार्य प्रभावित होंगे। नंबर तीन, ग्राम पंचायत क्षेत्र में गरीब वर्ग शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं में लाभ लेने हेतु सरपंच के घरों पर प्रातः ही आकर बैठ जाते हैं। हमारे पास प्रभार नहीं होने से गरीबों को निराश होकर लौटना पड़ सकता है एवं कई गरीब वर्ग की योजनाओं से वंचित रह सकते हैं। सरपंचों के प्रभार समाप्त किए जाने से मध्य प्रदेश की न्यू कहे जाने वाले पंचायत राज में पंचायत सबसे न्यू की जो ईंटों जैसे बने हुए तथा मध्य प्रदेश के एक सशक्त प्रदेश बनाने में पंचायत राज में सरपंच महानुभाव का बड़ा योगदान है। आज जो ये ज्ञापन दिया है किस संबंध में दिया है और क्या मांगे आपकी? आज का ज्ञापन मध्य प्रदेश की 24,000 सरपंचों के हनन और अपमान के जो दो घूट सरकार ने दिए उसके लिए हर जनपद पंचायत में सीईओ को दिया गया है। पिछली 4 जनवरी को प्रशासन द्वारा पुनः चुनाव निरस्त होने से आचार संहिता खत्म होने के बाद ग्राम पंचायत के सरपंचों को वित्तीय अधिकार DSC का जो संचालन गांव के छोटे मोटे कामों में होते हैं उनका दिया गया था, वापस पुनः 6 तारीख को उसको निरस्त किया गया। इस कारण अपने आप को मध्य प्रदेश के सभी 24,000 सरपंच ठगा महसूस कर रहे हैं और अपना अपमान समझ रहे हैं। इस कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आज ज्ञापन सौंपा है ताकि वो हमारी मांगों को मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री तक पहुँचाए। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री सही दिशा निर्देश लेकर वापस पुनः हमारे पंचायत के सरपंचों को वो दायित्व सौंपे ताकि गांव का विकास और सरपंच कार्य हो सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परसराम यादव, सरपंच संघ जिला अध्यक्ष जिला खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।